क्या 1000 रुपए में इतने सारे कपड़े? क्यों, सस्ते कपड़े खरीदना क्या गुनाह है? महल में रह रहकर तुम भी पॉलिटिक्स करना सीख गई मान्यता। आज क्या गेम खेले तुमने जय के साथ? वेल डन। मैंने कोई गेम नहीं खेली है। तू जा अपने होटल, सब तेरी राह देख रहे होंगे। राह तो हम देख रहे थे तुम्हारी, जब तुम मॉल में महंगे ब्रांड छोड़ के ये लाल प्लास्टिक के बैग में सड़क छाप चीजों की शॉपिंग कर रही थी। तुझे हो क्या गया है? जा जाके अपने इलाज कर। मैं मॉल में ही थी, माता जी ने मुझे शॉपिंग करने भेजा था और मैं शॉपिंग करके ही लौटी हूँ। आई नो प्रिंसेस, आई नो तुम शॉपिंग ही कर रही थी। इनफैक्ट हम ये भी जानते हैं कि तुम किसके साथ शॉपिंग कर रही थी। क्या मतलब? मतलब हम समझाते तुम्हें प्रिंसेस। कमाल की बात है ना कि जिस वक्त तुम मॉल से गायब थी उसी वक्त तुम्हारा वो चौल का आशिक, क्या नाम है उसका, आकाश, आकाश भी उसी वक्त अपने काम से गायब था। What a coincidence. क्या ना स्वीटहार्ट, तुमने अब तक हमारा सिर्फ अच्छा साइड देखा, हमें हमारा इविल साइड दिखाने पर मजबूर मत करो। तुम क्या होगा तुम्हारा जब घर में सबको पता चलेगा कि तुम आकाश के साथ गुलछड़े उड़ा रही थी? दादी साहब तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें बाथरूम में बंद कर देंगे। तेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं आकाश के साथ थी, इसलिए ज्यादा उछल मत। एक्चुअली तुम ज्यादा उछलना छोड़ दो प्रिंसेस, तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। इतना तो तुम्हें पिछले दिनों में पता चल गया होगा ना कि दादी साहब के लिए हम तुम्हारे और जेस भी पहले आते हैं। उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा अपने होने वाले दामाद लाडले उदयवीर पर है, इसलिए हम आपको एक फ्रेंडली एडवाइस देते हैं। अब से आप वही करेंगी जो हम आपसे कहेंगे, वरना वरना क्या भूल दे रहा तू मुझे? नसीहत, हम भूल देने वालों में से नहीं है प्रिंसेस। माना कहा मानोगे तो फायदे में रहोगे, वरना मजबूरन हमें दादी साहब के पास जाके तुम्हारे और तुम्हारे उस चौल के आशिक के रोमांटिक गेटअवे के बारे में सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। क्या बीते थे उनके दिल पे ये सुन के वो कितना खुश होंगे कि राजकुमारी मान्यता मुंबई की सड़कों पे एक आम लड़के के साथ रोमांटिक ट्यूएट गाते फिर रही। और अगर प्रेस को ये बात पता चल गई तो देवगढ़ की इज्जत का क्या होगा? ए, तू ये कैसे कैसे बातें कर रहा है? हफ्ता लेगा क्या मुझसे? तेरी ये धमकीबाजी ना मेरे सामने नहीं चलने वाली। जा छत पे जाके चिल्ला, महल की दीवार पे पोस्टर लगा और मेरे राकेश के नाम का ना वारंट भी निकाल दे। एक बहुत ही मशहूर फेरी टेल है प्रिंसेस, फेरी टेल यानी परियों की कहानी, जिसमें एक राजकुमारी को सालों तक एक महल में कैद कर लिया जाता है। जरा सोचिए वही हाल आपके साथ ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से आपको थोड़ी सी तो आजादी मिली है, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी आपसे छिन जाए। सोच लिया, जो उखाड़ने लो उखाड़ ले, पर तू मुझे कभी ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। हट। बैड मूव प्रिंसेस, बैड मूव।